जय जय भारत। तो मेरे साथ है डॉक्टर विनोद हासिल। सबसे बड़ी बात, इन्होंने इतनी कम समय में इतना कुछ हासिल कर लिया। तो डॉक्टर विनोद, नाम में ही आपकी हंसी है। विनोद, बिल्कुल बिल्कुल जी, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जी जी जी। और तो मैं ये चाहता हूँ कि ड्रम कैफे ये क्या है? आजकल तो कैफे कैटेरिया, तो ड्रम कैफे क्या है? सर, ड्रम कैफे 30 साल पुरानी कंपनी है हमारी, जो दोस्तों ने मिलकर शुरू की थी। और ड्रम कैफे वो चीज है कि हम लोगों को, जितने ऑडियंस में मेंबर होते हैं उतने ड्रम्स हम उनके ऑडियंस में देते हैं। जैसे आज हमारे पास 200 ड्रम है यहाँ फिकी फ्लो के लिए जी, 200 ड्रम जी, जो आज 200 लेडीज एक साथ बजाएंगी, जो लेडीज शायद एक दूसरे का सुनती नहीं है, वो आज सब मिलकर काम करेंगी और मिलकर एक साथ बजाएंगी। और सुर में बजाएंगी। क्या बात है, तो आप महिलाओं को सुर में ड्रम बजाना सिखाते हैं क्या? मैं सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, दुनिया की जितनी वर्ल्ड की कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो हमारी फैसिलिटीज यूज करती हैं, क्योंकि हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। आज लोग मैं रुक गए हैं कि मैं हम लोगों को हम सिखाते हैं। क्या बात है, सबसे बड़ी बात की मैं लोग अड़ गए हैं और हम सिखाते हैं। तो लल्लू हिंदुस्तानी के साथ बात करते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया बात की। सबसे बड़ी बात, सारे गामा पा ये क्या है? सारे गामा पा तो आरओ है जी सफर साहब, क्योंकि आपका तकल्लुफ है जी। सारे गामा पा जो आपने पूछा बहुत अच्छा प्रश्न है, मगर कंप्लीट नहीं है जी। सारे गामा पा आरो है और सानी धापा मगर ऐसा अवरो है, वो पूर्ण है। क्या बात है, तो अगर सब कुछ मैं ही कंप्लीट कर लेता तो आपने तो सारी दुनिया को सिखा रहे हैं। तो आज ड्रम बजाना, सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं आज के महंगाई के जमाने में, टेंशन के जमाने में आप कहीं ना कहीं बजाते हुए हंसाते भी। बिल्कुल 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 हंसाते हैं। और ड्रमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप दोनों हाथ यूज कर रहे होते हैं, और जब आपको पता हो साइंटिफिकली ये प्रूव है और शास्त्र में भी कहा गया है, जब आप दोनों हाथ यूज करेंगे ना, या दोनों हाथ से ताली बजाएंगे भी ज्यादा देर तक, तो आप राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आप दोनों ब्रेन एक साथ चलता है तो आप इन अ स्टेट ऑफ अल्फा पहुंच जाते हैं, जिसे कहते हैं त्रिनेत्र, और वो शांति की जगह है, और वहां से आपको सुकून मिलता है और लय की एक संभावना जो आप में नहीं थी वो आ जाती है। क्या बात, बहुत बड़ी बात की। सबसे बड़ी बात, गुरु रामदास की नगरी में पहली बार पंजाब में ऐसा शो हो रहा है, और जो बात इन्होंने कही है पूरी दुनिया इनकी बात मानती है, बड़ी बड़ी कंपनियां इनका इंतजार करती है। सबसे बड़ी बात, गुरु रामदास की नगरी में आए, आपने लाइव अमृतसर से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक बात, देश टूट रहा है, मन से टूट रहा है, कैसे युवा भटक रहे हैं, तो क्या इनको भी कोई ऐसा ड्रम बजाया जाए कि देश पटरी पे आ जाए, खुशहाली वापस आ जाए? तो ऐसा कोई ड्रम, खुशहाली सबसे बड़ी चीज है, खुशहाली की आज के जमाने में कहीं ना कहीं आप जैसा शो करते इसी से मिलती। सर, आपने एक ही प्रश्न में इतने प्रश्न पूछ लिए हैं सफर साहब, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि देश बहुत खुशहाल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे कहना चाहिए मैं पंजाब में आया हूँ, हालांकि यहाँ कांग्रेस की सत्ता है, मगर मेरे ख्याल से मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत सही ढंग से चल रहा है। और युवा को सिर्फ एक चीज करना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एकाग्रता आ जाएगी, और ये हिंदुस्तान सबसे वैभवशाली देश है, था और हो जाएगा। सबसे बड़ी बात की है, भारत देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, केवल जरूरत है, जैसा इन्होंने कहा, इनकी बातें मानने की, हम बनने की, मैं छोड़ने की। तो बड़ी बात की है, तो आप लाइव अमृतसर के साथ आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लाइव अमृतसर देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।